हेलो फ्रेंड्स, हर साल इंडिया में अराउंड 4300 करोड़ किलोग्राम कचरा इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 22 से 28% यानी कि 11.9 मिलियन टन को ही ट्रीट किया जाता है। एंड बाकी का बचा हुआ 72 से 78% यानी कि 31 मिलियन टन ऑफ वेस्ट को दफना दिया जाता है। बट सैडली अब दफनाने के लिए भी जमीन की कमी पड़ रही है, जहां सवाल ये उठता है कि इंडिया फिर भी क्यों पाकिस्तान और 25 दूसरे कंट्री से कचरा इंपोर्ट किए जा रहा है और किया ही जा रहा है। और आखिर इस कचरे का होता क्या है, कोई दूसरे देश से कचरा क्यों इंपोर्ट करेगा? क्या यही सवाल आपको भी परेशान किए जा रहा है? वेल, परेशान होने से पहले आप सतीश कुमार की स्टोरी जान लो। इस बंदे ने कचरे से पेट्रोल बनाया है जिसकी कीमत केवल 50 रुपए है। इंटरेस्टिंग राइट? क्या इसी प्रोजेक्ट की वजह से कचरे का इंपोर्ट किया जा रहा है इतनी भारी मात्रा में? और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट इस विषय पर क्यों कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रही है? अनाउंसमेंट तो दूर, बस जिस प्लास्टिक से फ्यूल जनरेट किया जा सकता है, गवर्नमेंट आखिर क्यों उस प्लास्टिक को बैन करने में तुली है? वेल, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो दैट गोज बाय द टाइटल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट्स गार्बेज। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कचरे को इंपोर्ट करने की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। वेल, इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी, जब इंडिया ने बार्सिनोरा नाम की एक स्पेनिश सिटी से पहली बार गार्बेज को इंपोर्ट किया था, विच वॉज अ होलसम 103.7 मेट्रिक टन्स गार्बेज। इस 103.7 मेट्रिक टन्स गार्बेज को तमिलनाडु के तूतीकरण पोर्ट पर लाया गया था, जिसके बाद हमने लगातार दूसरे देशों से कचरा इंपोर्ट करना चालू कर दिया। एंड टू यू सरप्राइज, इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। यस, पाकिस्तान भी। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया ने 2017 से 2018 में मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए जैसे 25 कंट्री से कुल मिलाकर 121,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट किया था, जिसमें से 55,000 मेट्रिक टन तो अकेले पाकिस्तान और बांग्लादेश से कलेक्ट किया गया था। सो आखिर क्यों ये सारी कंट्रीज अपना कचरा इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है? जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, यहाँ बात हो रही है मुनाफे की। राज्यसभा की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इन सभी कंट्रीज को ई वेस्ट को रिसाइकल एंड डिस्पोज करने से ज्यादा मुनाफा उस वेस्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट करने से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उस रिपोर्ट के हिसाब से यूरोप और यूएसए के वेस्ट ट्रेडर्स को एक कंप्यूटर को सेफली डिस्पोज करने के लिए $20 यानी कि 1,494 रुपीज भरना पड़ता है। एंड इफ उसी कंप्यूटर को इंडिया के वेस्टेड मार्केट में भेजा जाए तो उनको सिर्फ हाफ प्राइस ही पे करना पड़ता है, विच इज जस्ट 747 रुपीज। मतलब बात बिल्कुल सीधी और साफ है, इंडिया मुनाफे के लिए कंट्री से गार्बेज ले रहा है। इन्हीं सारे रीजन के चलते इंडिया दुनिया में 10th लार्जेस्ट प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्टर बन चुका है। और इसी के चलते 2016 से 17 में इंडिया ने 306 करोड़ का कचरा जमा कर लिया था। ये सब तो लीगल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। 2015 के यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 90% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया में इलीगली ट्रेड हो रहा है, जहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन इलीगली ट्रेडर्स को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? वेल, इसका जवाब है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। दरअसल इंडिया के 12 मेजर और 14 माइनर पोर्ट्स में से 2 पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू और मुंबई पोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दोनों पोर्ट्स पर मैक्सिमम वेस्ट इंपोर्ट होता है। बट उसके बावजूद भी इन दोनों जगह पर ना इतने लोग हैं और ना इतने मॉडिफाइड स्क्रीनिंग मशीन है। लाइक देखने जाए तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, क्योंकि ओवरऑल 50% ऑफ ट्रैफिक इंडिया का हैंडल करता है, यानी जाहिर सी बात है कि रोजाना वहाँ मिलियंस ऑफ कंटेनर आते होंगे। तो आपको क्या लगता है वहाँ कितने स्क्रीनिंग मशीन होंगे? 20, 10 या कम से कम 5 तो होने चाहिए, राइट? बट हैरानी की बात तो यह है कि इस बिजनेस पोर्ट पर सिर्फ 2 ही स्क्रीनिंग मशीन है। जी हाँ, इतने बड़े पोर्ट पर सिर्फ 2 ही स्क्रीनिंग मशीन अवेलेबल है, टू द सरप्राइज वो भी ना मॉडिफाइड है और ना ही एडवांस्ड। राज्यसभा की रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेन स्ट्रेंथ इफ कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव मेटल्स को लीड कंटेनर में पैक करके भेजा जाएगा, तो इन स्कैनिंग मशीन के लिमिटेशन के हिसाब से वो कोबाल्ट 60 को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन इलीगल ट्रेडर्स की वजह से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। बट ये चीज़ें तो नज़रअंदाज हो रही है, बट इलीगल ट्रेडर से नुकसान से क्या, लीगल ट्रेड से ही अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अच्छे खासे 4 नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान, हम ई वेस्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं और ई वेस्ट से होता है नुकसान टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से हो रहे वेस्ट, जिसमें मौजूद है हैवी एंड हजार्डियस मेटल्स लाइक लीड, क्रोमियम, बेलेरियम, मर्क्यूरी, प्लास्टिक, कैडमियम, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोलिक एसिड। ये सारे मेटल्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हजार्डियस है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, कचरे को दफनाने के लिए जमीन की नहीं बल्कि पूरी सिटी की जरूरत आ पड़ी है।
द वायर न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एनुअली 43 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्ट कर रहा है, जिसमें से सिर्फ 22-28% यानी कि 11.5 मिलियन टन को ही ट्रीट किया जाता है और बाकी का बचा हुआ 72-78% यानी कि 31 मिलियन टन ऑफ वेस्ट 1040 हेक्टर्स के लैंडफिल साइट्स पर डंप कर दिया जाता है। अब इस डाटा से एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो 2030 तक एनुअली वेस्ट 165 मिलियन टन का हो जाएगा, जिसके चलते लैंडफिल साइट्स के लिए 66,000 हेक्टर जमीन की जरूरत पड़ेगी, विच इज 90% ऑफ बेंगलुरु एरिया, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा शहर जस्ट फॉर डंपिंग। तीसरी सबसे बड़े नुकसान में हम अर्ज करेंगे मुंबई शहर से, जरा बख्शो देवनार को। देवनार मुंबई डंपिंग यार्ड को साल 1897 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था, एक्चुअली जब गंदगी की वजह से फ्लैग हो गया था और उस फ्लैग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी था गंदगी को कहीं और डंप करना, और तब उन्होंने इस जगह को ढूंढा और जून 7, 1899 में यहाँ कचरा लाने के लिए कचरा नाम की ट्रेन से इसे यहाँ लाया जाता था, जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद मुंबई यूज करने लगी। एंड यहाँ रोजाना का 2000 मेट्रिक टन वेस्ट डंप किया जाता है, जिसके चलते आज की तारीख में इस लैंडफिल की गार्बेज होल्डिंग पावर 130 लाख से 160 लाख टन हो चुकी है, विच इज अ ह्यूज नंबर। चौथा प्रॉब्लम है कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो रहा कचरे का पहाड़ हमारा। 1984 में गाजियाबाद में 29 हेक्टर्स की जमीन को एज अ डंपिंग यार्ड घोषित कर दिया था, जिसके बाद हॉरिजॉन्टली जमीन कम होने की वजह से लोगों ने कचरा वर्टिकली डालना शुरू कर दिया, इन शॉर्ट कचरे के पहाड़ बनाना शुरू कर दिए, जिसके चलते 2017 में इस पहाड़ की हाइट 65 मीटर हो गई थी, विच वॉज 65 मीटर, वंस अगेन विच वॉज 8 मीटर शॉर्टर देन कुतुब मीनार। एंड उसके बाद हुआ थप, पहाड़ कोलैप्स हुआ, जिससे दो लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का एक हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। उफ, कितने सारे इशू है इस कचरे से, बट इफ इतने सारे इशू है तो फिर क्यों इंडिया गार्बेज को इम्पोर्ट किया जा रहा है? वेल, इसके एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे रीजन है, और उन सब में सबसे बड़ा रीजन है इट्स प्रॉफिटेबल फॉर द कंट्री, क्योंकि 1 टन ऑफ रिसाइकल पेपर इट सेव्स अप्रॉक्सिमेटली 17 ट्रीज, 2.5 बैरल्स ऑफ ऑयल, 4100 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 4 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल्स एंड 31,780 लीटर्स ऑफ वाटर। प्लस इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट से रोड भी बनाए जा रहे हैं, 1 टन ऑफ प्लास्टिक से 1 किलोमीटर तक की रोड बनाई जा सकती है, एंड हमने प्लास्टिक की मदद से 1 लाख किलोमीटर की रोड ऑलरेडी बना ली है जो 11 स्टेट में फैली हुई है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक सर्वे का मानना है इंडिया 2025 तक 10 मिलियन टन ऑफ स्टील एंड 1.4 टन ऑफ आयरन ओर जनरेट करेगा फ्रॉम ऑटोमोबाइल स्क्रैप, जिसके चलते प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएंगे एंड विच विल इनडायरेक्ट सेव अस 16-70% ऑफ एनर्जी। अब ये तो वो स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ले रही है, अब बात करते उन स्टेप्स का या कहो आविष्कारों का जो देश के युवा बना रहे हैं फ्रॉम वेस्ट। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हैदराबाद के सतीश कुमार के हाइड्रोक्सी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ये वो कंपनी है जो डीपोलीमराइजेशन टेक्निक से जो प्लास्टिक कई बार रिसाइकल होने के बावजूद भी वेस्ट ही रहता है, यानी कि डेड प्लास्टिक, उस डेड प्लास्टिक को फ्यूल में कन्वर्ट कर देती है। इंटरेस्टिंग राइट? बट फार मोर इंटरेस्टिंग ये है कि इस प्रोसेस में कोई वेस्ट आउटपुट नहीं होता, यानी कि जीरो एयर पोल्यूशन। प्लस जहां फ्यूल के भाव 100 रुपए प्रति लीटर है, वहीं इस प्लास्टिक के फ्यूल का भाव है केवल 40-50 रुपए प्रति लीटर। लगाना झटका, बट अब सोचो, और इफ मैं कहूँ कि 2015 में इंडियन क्रिकेट टीम ने प्लास्टिक बोतल से बनी हुई फैब्रिक की जर्सी पहनी थी, ये हकीकत है। इनफैक्ट बीसीसीआई के स्पोक पर्सन का कहना था वो जर्सी टीम के लिए कंफर्टेबल थी, और उसी के चलते राजस्थान के 17 साल के आदित्य बैंगर ने ट्रेस टू ट्रेजर नाम की कंपनी खोली जो रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स एंड कवर्स को कन्वर्ट करके फैब्रिक बनाता है, दे मैन्युफैक्चर क्लॉथ्स फ्रॉम इट। कुछ ऐसे ही इनोवेशन की खोज को लेके पुणे की अमिता पांडे और नंदन भट्ट ने आरोहना इको सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन खोला है, जहाँ रिसाइकल प्लास्टिक रैपर से आर्टिस्टिक गुड्स लाइक बैग्स, लैपटॉप होल्डर्स, डाइनिंग मैट्स, नोटबुक कवर्स एंड पेंसिंग होल्डर्स बनाया जाता है। और तो और, इसे सिर्फ आर्ट ही नहीं मिलता बल्कि जॉब भी जनरेट होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इन गुड्स को बनाने के लिए दादरा और नगर हवेली के रिपोर्ट विलेजेस में बसे वाली ट्राइब्स को एम्प्लॉयमेंट देती है। नाइस राइट? बट जहाँ देश के युवा कचरा और प्लास्टिक से इतने इनोवेशन कर रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट प्लास्टिक वेस्ट को रोकने के लिए बस बैन ही लगा रहे हैं और रूल्स ही पास कर रहे हैं। बट द इशू इज
कि इन बैंस और लॉज को पब्लिक कितना फॉलो करती है उसको चेक करने के लिए कोई अकाउंटेबल सिस्टम ही नहीं है, जिसके चलते यूजेस और पॉल्यूशन दोनों ही बढ़ रहा है। बट इंस्टेड ऑफ बैनिंग एंड इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट फॉर दोज रीजन, इफ गवर्नमेंट ऐसे इनोवेशन को और ज्यादा प्रमोट करे और इसमें इन्वेस्ट करे कि बेस्ट ऑफ द वेस्ट बनाया जा सके और उन इनोवेशन को लार्ज स्केल पर अप्लाई किया जा सके, तो डोंट यू थिंक कचरे को इम्पोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और साथ में कचरा उठाने वाले भी ज्यादा इंसेंटिवाइज भी होंगे, तो आपको स्ट्रीट पर ज्यादा कचरा भी नहीं दिखाई देगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इस विषय में शेयर करो अपना ओपिनियन, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर ठोकना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सिया, जय हिंद।